अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कि कैसे आप एक वेबसाइट बना सकते हैं अपने लिए या फिर अपने बिजनेस के लिए, किसी भी चीज़ के लिए अपनी एक ज़ाती वेबसाइट। तो सबसे पहले हमें डोमेन नेम और होस्टिंग की ज़रूरत होती है, तो हम यहाँ पे नेम चीप से डोमेन नेम और होस्टिंग परचेज़ करेंगे। आप किसी भी कंपनी से ले सकते हैं। तो यहाँ पर डोमेन नेम पर जब आते हैं तो यहाँ डोमेन नेम सर्च पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपके सामने बुक सकता है, इसमें आप देख सकते हैं कौन से डोमेन नेम अवेलेबल है और आप अपने लिए ख़रीद सकते हैं। तो मैं चेक करता हूँ, मैं ऑलरेडी डोमेन नेम और होस्टिंग ले चुका हूँ, जस्ट आप लोगों को बताने के लिए अभी मैं कि कैसे आप लोग भी ख़रीद सकते हैं। तो ये मैं चेक कर रहा हूँ, techmong1.com। जी तो हम इस पेज पर आ चुके हैं और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि द डोमेन इज़ अवेलेबल, तो आप ऐड टू कार्ट कर दें इसको। तो हमारी डोमेन हो गई है यहाँ से, तो अब हम जाएँगे होस्टिंग पे। होस्टिंग में आप शेयर होस्टिंग में जाएंगे पहले, सबसे पहले जो आ रही है यहाँ पे आप वैल्यू प्लान, एक साल के लिए जो शेयर होस्टिंग होती है, इसको ऐड टू कार्ट पे करें। यहाँ पे आप क्लिक करें, आई वांट टू यूज़ अ डोमेन इन माय कार्ट। सिलेक्ट योर डोमेन, सिलेक्ट अपना डोमेन सिलेक्ट किया अपना, कंटिन्यू पे क्लिक करें। ये तो आपका सब टोटल हो गया $18.94। यहाँ पे जब आप कंफर्म ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज खुलेगा जहाँ पर आप साइन इन या साइन अप हो सकते हैं। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप साइन अप हो सकते हैं यहाँ। यहाँ से आपकी डिटेल मांगता है सारी, जो भी आपका एड्रेस वगैरह जो भी है आपका। यहाँ पे आप कंटिन्यू पे क्लिक करें। अब आपके पास आ गया पेमेंट ऑप्शन, पेमेंट आप सिक्योर कार्ड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्यू कार्ड पे है तो यहाँ से आप अपने कार्ड ऐड करना है, अपने कार्ड पे जो आप करने में वो लिखना है कार्ड नंबर, और यहाँ पे एक्सपायरी डेट होती है आखिर में, जो कार्ड के बैक साइड पे नंबर लिखा होता है 300 का, वो डालना है आपने। जब आप कार्ड की डिटेल सारी डालेंगे तो आपके पास अगेन नेक्स्ट कंटिन्यू का ऑप्शन आ जाएगा, और वहाँ पर कन्फर्म ऑर्डर के बटन पर क्लिक करने के बाद आपको आपकी जो होस्टिंग है वो आपको मिल जाएगी। ये तो यहाँ पे आप पहुँचेंगे नेम चीप के अकाउंट में, अश्योर कर ले कि आप लॉगिन हो। तो लॉगिन होने के बाद आप मेट नोट पे हावर करेंगे, हावर करने के बाद डैशबोर्ड पे क्लिक कर देना है आपको। डैशबोर्ड पर क्लिक करने के बाद आपके पास ये आ जाएंगे आपके जो भी है डोमेन, और इसके साथ ये आपकी होस्टिंग साइन यहाँ पर आ रहा है, सर्वर का निशान। और दूसरी जो नेम चीप की बात मैंने नोट की है वो है उनकी कस्टमर सर्विस, इनकी लाइव सपोर्ट 24 घंटे अवेलेबल है। यहाँ पे चैट विद ए लाइव पर्सन आप कर सकते हैं, चैट किसी भी उनके बंदे के साथ, कोई भी मसला आपको पेश आ रहा है आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। तो यहाँ मैं जाऊँगा होस्टिंग पे हॉवर करूँगा, तो हॉवर करने के बाद मैनेज पे क्लिक करूँगा। यहाँ पर आप नीचे आएंगे स्क्रोल करके, लॉग इन टू सी पैनल, यहाँ पर आप सिंपली क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपका सी पैनल का यूज़र नेम भी आया, और पासवर्ड आपको जो मेल आई होगी पहली मेल नेम चिप की तरफ से, उसमें आपका पासवर्ड भी होगा और यूज़र नेम भी होगा, और आपके सी पैनल का एड्रेस भी होगा। यहाँ से आप लॉगिन होंगे तो आपके सामने सी पैनल का जो इंटरफेस है वो आएगा, स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ से आप, यहाँ पे आपको कहीं पे वर्डप्रेस का साइन नज़र आएगा, ये देखिए यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप हमको ले जाएगा ये इंस्टॉलेशन के प्रोसेस पे। तो यहाँ पे आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे जब, तो आपसे कुछ डिटेल मांगेगा ये
स्टेज में आपने यहाँ पे जो फॉर्मेट रखना है वो HTTP रखना है फिलहाल, और डोमेन नेम आपको शो हो रहा होगा। नेक्स्ट जो डायरेक्टरी की बॉक्स को आप खाली छोड़ेंगे, नेक्स्ट यहाँ पे आप अपना नाम देंगे ब्लॉग का, टेक मॉन्ग नाम दे दिया मैंने यहाँ पे, आप अपने हिसाब से दे लीजिए जो भी आपका होता है। उसके बाद जो लिटल शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होती है वो मैं यहाँ पे लिखूंगा ऑल अबाउट टेक। नेक्स्ट आपका यूज़र नेम जो होता है वो एडमिन ही रहेगा नीचे, उसके पासवर्ड आ गया, तो पासवर्ड मैंने यहाँ पे कॉपी करके रख लिया, आप भी कॉपी करके रख लीजिए यहाँ से, जो भी सिलेक्ट करना हो आप खुद भी सिलेक्ट कर सकते हो, रैंडम जनरेटर से भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट ये आपसे ईमेल मांग रहा है, अपनी ईमेल भी दे सकते हैं, और यहाँ पर डिफ़ॉल्ट भी लगी हुई है इंग्लिश, इसको इंग्लिश ही रहने दें। एंड देन आप नीचे आएंगे तो इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, ये एक पेज पे आपको ले आया है, इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है आपकी, और यहाँ पर आपको एरर शो हो रही है जिसको आपने इग्नोर करना है। आपकी आपकी साइट पे नहीं होगी, इस तरह मेरी तरफ आ रही है, यहाँ पे आप अपनी साइट को विजिट कर सकते हैं यहाँ से। ये तो हम यहाँ से डैशबोर्ड को एक्सेस करेंगे, WP admin वाले लिंक पे क्लिक करेंगे, यहाँ से डैशबोर्ड के अंदर हम थीम को इंस्टॉल करेंगे, हम ऑलरेडी लॉग इन है यहाँ पे। थीम में यहाँ पे 2016 है आई थिंक, इसको मैं एक्टिवेट करूँगा, और उसके बाद यहाँ पर इसको कस्टमाइज करने के लिए कस्टमाइज के बटन पर नीचे आकर क्लिक करेंगे हम, यहाँ कस्टमाइज पे मैंने क्लिक किया है, और ये कस्टमाइजेशन पेज में मुझे ले आया है, यहाँ से मैं कस्टमाइज़ कर सकता हूँ अपने सिम को किसी हिसाब से, नए विजिट्स ऐड कर सकता हूँ, नई चीज़ें, नया टेक्स्ट ऐड कर सकता हूँ, और इसका नाम वगैरह जो भी है सारा कुछ, लोगो वगैरह ऐड कर सकता हूँ। यहाँ से मैं साइड जो राइट साइड बार पर कुछ विजिट्स हो रहे हैं उनको रिमूव करूँगा एक एक करके, ताकि हमारा साइट कुछ हमारी साइट कुछ क्लीन नज़र आए। तो ये मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। आप मज़ीद भी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, मैं बेसिक कस्टमाइज सिर्फ करूँगा बस, कि आप बस आपको अच्छी जगह एक साइट आप बनाते कैसे हैं। तो यहाँ सर्च का भी मैं रहने दूंगा इसको, क्योंकि साइट का हिस्सा होता है मेनली। तो यहाँ अब मैं साइट को विजिट करूँगा इसको यहाँ से पब्लिश करके, तो जब मैं यहाँ पर, लेकिन इससे पहले मुझे ना कुछ एक पेज ऐड करना चाहिए, तो मैं यहाँ पर जाता हूँ पेज नहीं पोस्ट, मुझे एक पोस्ट ऐड करना चाहिए, वो पोस्ट मैं यहाँ से ऐड करता हूँ। ऐड न्यू पोस्ट पे पहले जो हेलो वर्ड मौजूद है डिफ़ॉल्ट से उसको मैंने रिमूव कर दिया यहाँ से, और अब मैं लोरम वेबसाइट में जाता हूँ, वहाँ से मैंने कुछ टेक्स्ट उठाना है ताकि मैं पोस्ट कर सकूँ इसको। तो ऐड न्यू पे मैंने क्लिक किया है, यहाँ से मैं इसको टाइटल दूंगा माई फर्स्ट पोस्ट एट टेक मॉन्ग, यहाँ से मैंने जल्दी जल्दी मैं कॉपी किया ये वाला जो भी था टेक्स्ट, लोरम वेबसाइट सैम्पल टेक्स्ट कॉपी किया, और यहाँ पर पोस्ट करने का तरीका है, यहाँ मैं स्पीडअप काम करूँगा इसलिए आप अपने तरीके से कर लें। यहाँ से मैं एक फीचर इमेज ऐड करूँगा जो कि हर पोस्ट का हिस्सा होता है, तो यहाँ मैंने डेस्कटॉप से एक इमेज चूज़ किया है, और उसको यहाँ पे मैं फीचर इमेज ऐड फीचर इमेज पे क्लिक करके इसको ऐड कर लूँगा। अब मैं पब्लिश पे क्लिक करूँगा, ये रही हमारी साइट। अब मैं साइट को जब मैंने विजिट किया पब्लिश करने के बाद, तो ये हमारी बेसिक और सिंपल सी साइट है। आप इसमें मज़ीद कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही करूँगा कि मैंने सिर्फ सिंपल सी साइट एक बनानी थी। इसमें मेन्यू आप ऐड कर सकते हैं, मज़ीद पेजेस ऐड कर सकते हैं, अबाउट एस कंटेक्ट अस वगैरह के जो भी है, लेकिन वो आप ख़ुद भी सर्च कर सकते हैं, या फिर हम किसी और वीडियो में वो कर लेंगे, फिलहाल इतना ही का। तो आप इजाज़त दीजिए, और ये लोगों के निशान पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, और अपने अल्लाह हाफिज़।